तो नमस्कार दोस्तों, तो शुद्ध देसी किचन पे लाया है सुबह का नाश्ता गर्मा गर्म साबूदाना वगैरह कैसे बनते हैं। तो भाई सुनते ही तो मुंह में पानी आ जाता है, सुबह का नाश्ता हो गर्मा गर्म साबूदाना वगैरह हर एक इंसान खाना चाहता है, फटाफट बनने वाला रेसिपी। देखिए सबसे पहले इतना फरहर, और आप इसको यदि नीचे गिरा भी देते हैं तो आप उठा के रख सकते हैं, इसे चिपचिपा नहीं है। तो सबसे पहले जो हम आपको नाप दिखाते हैं, जो इस तरह से एक कटोरा जो है, एक बाटी हम साबूदाना लेंगे तो एक बाटी से ही पानी लाएंगे। तो सबसे पहले साबूदाना को मार्केट से लाइएगा, इसको भिगाने से पहले दो पानी से धो लीजिएगा और जाली वाली छन्नी से में पानी डाल के जाली वाले में साबूदाना डालेगा उससे पानी से धो लीजिएगा, तो जिसका जो डस्ट होता है नीचे का वो हट जाएगा और नीचे गिर जाएगा। उसके बाद आप एक कटोरा साबूदाना लिए रहते हैं तो एक ही कटोरा पानी डाल के एक बर्तन में ऐसे ढक्कन डाल के छोड़ दीजिएगा रात में। जैसे आप रात को सोने जाते हैं खाना वाना हो जाने के बाद, तो आप सोने जाएंगे तो इसको भिगा दीजिए, सुबह उठिए गर्मा गर्म उससे ऐसे साबूदाना भिगा रहेगा, पानी सोख किया रहेगा और इसको बना लीजिए फटाफट 5 से 10 मिनट में। तो ईजी रेसिपी है और कोई भी अपने घरों में हर एक आदमी बनाना जानता है, खा सकता है, देखता है, टेस्टी आता है। तो आप जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से फॉलो कीजिए, आपका साबूदाना वगैरह एक नंबर टेस्टी होगा। हमें कढ़ाई चढ़ाइए, गरम कढ़ाई है, गरम कढ़ाई में इसको छोटा सा एक पैन लीजिए जो भी है नॉन स्टिक या जो भी रहता है आपके पास, उसमें हम सिंग दाना एक बाटी डालेंगे और जिसको पीनट भी बोलते हैं, तो भुना हुआ भी रहता है बिना भुना, भुना हुआ रहेगा तो अच्छा है, नहीं भुना है तो हम इसको भून लेंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे। तो हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं जो इसका छिलका निकल सके। अब देखिए रोस्ट हो गया है हल्का, इसका छिलका जो देखिए हल्का जलने लगा है। अब इसी तरफ में हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा देर ऐसे 1 मिनट ला देंगे, हल्का हाथ लगा के देखिए ठंडा हो गया है। तो उसको हम इस कपड़े में छोटा कोई भी कपड़ा, साफ कपड़ा हो रख लेंगे और इस तरह से हम हल्की हाथों से इस तरह से हम मसल देंगे ताकि इसका छिलका जो है निकल जाए और मिक्सी में आप तो ग्राइंड कर सके छिलके को अलग करके। तो ज़्यादातर भुना हुआ रहते हैं तो उसमें छिलका रहता नहीं है, तो जिसके पास नहीं है जैसे मैं अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी सिंगदाना लेके छिलका से थोड़ा टाइम लगता है 2 मिनट लेकिन हो जाएगा। तो देखिए साफ़ हो गया, इसका डस्ट जो है इधर निकल चुका है, ये है थोड़े बहुत डस्ट रहेंगे चलेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर में काम आ जाएगा। अब इसको हम एक जार में, जैसे भी पहले बोला था मैंने आपको, मिक्सी है तो मिक्सी में और नहीं तो आप कूटने दानी में भी कूट सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो मिक्सी में हम थोड़ा दरदरा टाइप इसको 2 मिनट घुमा लेंगे, थोड़ा ऐसे इस तरह से चलाइए ताकि दरदरा हो। देखिए इस तरह जिसमें हम इसको साबूदाना को इसमें पलटी कर ले, देख सकते हैं कि पूरी पानी सोख लिया है और ऐसा ही साबूदाना। अभी सबसे पहले हम इसमें छोटे आलू रहेंगे तो 4 लीजिए, ठीक है, और आलू जो है ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, गीलापन, और बड़े आलू रहेंगे तो 2 लीजिए, छोटे आलू रहेंगे तो 4 ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आलू डालने से आलू का ही फ्लेवर आएगा। इसमें 4 से 5 हरी मिर्च हम कटा हुआ बारीक कटा हुआ वो डाल देंगे, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ ढेर सारा, आप जितना यूज कर सकते फ्लेवर के लिए, टेस्ट अच्छा आता है इसे। अभी ऑप्शन बनना है हरी लाल मिर्ची का, कश्मीरी लाल मिर्ची मैं टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ, यदि आप तीखा खाना नहीं पसंद करते तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम शक्कर डालेंगे सॉल्ट, इससे टेस्ट अच्छा आता है तीखा मीठा मीठा का। थोड़ी सी हम सेंधा नमक हम यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम हम। खट्टापन डालने के लिए हम चाट मसाला,
जो ग्राइंड किए थे सिंगदाना वो एक बाटी हम देखिए अब इस तरह से हाथ में लेंगे तो देखिए दरदरा टाइप जो है थोड़ा सा अखा रहे, टेस्ट का जो इसका इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से आए। कुछ पिसा हुआ हिस्सा आपको इसमें घुल जाएगा और कुछ दानेदार दिखेगा। इसको हल्के हाथों से आलू को खाली मिक्स कर लीजिएगा इसको एकदम बारीक वाला जो कुछ दाने दिखेंगे, तो बाकी आपको साबुदाना को मसलना नहीं है, तो हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे इसको अंदर। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस हाथ को थोड़ा सा धो लेंगे और हम गोला आकार बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हाथ है उसको हम हल्का सा गीला कर लेंगे, इस तरह से पानी लगा के पहले गीला कर लीजिएगा और इस तरह से। अभी गोल जो बन गया है इस तरह से गोला बना लीजिए और इसको हम हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। जैसे आप टिक्की बनाते हैं तो उसी तरह से शेप में हम इसको टिक्की का शेप में हम गोल। इस तरह से हम गोला बना बना के ऐसे रखते जाएंगे। अब जो हम एक एक साबूदाना को डालेंगे, दो दो पीस करके हम डालें, छोटा है। अब अपने आप देखिए तेल जो है ऊपर आ जाएगा वो कुक के, अब समझिए कि आपका वड़ा जो है बनके रेडी है, जो उसका डो जो है पूरी तरह से प्रॉपर बना है। देखिए अपने आप ऊपर आ चुका है देखिए फूक के। तो इस तरह से आप जैसे तेल के ऊपर तैर रहे हैं वड़ा, तो आप समझिए कि आपका वड़ा प्रॉपर सही बन है, क्योंकि रोस्ट टाइप का कर लेंगे जैसे ब्राउनिश टाइप। टेक्सचर आपका देखिए वड़ा का कलर आ गया है। इस तरह से आपका साबूदाना बनके रेडी है। तो इसी तरह से शुद्ध देसी किचन देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरह से हम हर एक बार आपको दो दो करके एक ही करके हम छान लेंगे। ठीक है, तो कुरकुरे टाइप का जो आवाज़ है इस तरह से आएगा और एकदम ऊपर से कड़क और अंदर से सॉफ्ट साबूदाना बड़ा। तो हर एक आदमी को पसंदीदा साबूदाना बड़ा आपको टेस्टी और स्वादिष्ट बनके रहती है। शुद्ध देसी किचन देखते रहिए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, कमेंट बिलो में ज़रूर कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, जैसा है लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।